मुंबई के बोरीवली में सुदामा देवी कन्हैया लाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री महाभागवत कथा में अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। इस पंडाल में हजारों लोगों द्वारा बनाए गए श्री काशी नगरी का माहौल देखने को मिला, जहां साध्वी प्राची देवी और आयोजक एमएल सोनी रूपेश सोनी के मार्गदर्शन में अर्धरात्र से सभी भक्तों ने शिवलिंग बनाने की शुरुआत की। शिवलिंग के महात्म्य का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा है कि जो मनुष्य किसी तीर्थ की मृत्तिका से शिवलिंग बनाकर उसका विधि विधान से पूजन करता है वो शिव स्वरूप हो जाता है। शिवलिंग का सविधि पूजन करने से मनुष्य संतान धन धान विद्या ज्ञान सद्बुद्धि दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति करता है। जिस स्थान पर शिवलिंग की पूजा होती है वह तीर्थ न होकर पर भी तीर्थ बन जाता है। जिस स्थान पर सर्वदा शिवलिंग का पूजन होता है उस स्थान पर मृत्यु होने पर मनुष्य शिवलोक को जाता है। शिव शब्द के उच्चारण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसका बाह्य और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। दो अक्षरों का मंत्र शिव पर ब्रह्म स्वरूप एवं तारक है, इससे अलग दूसरा कोई तारक ब्रह्म नहीं है। इस अवसर पर साधित प्राची देवी और आयोजक ने पत्रकार से बातचीत की। तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती में बसा के आप बसे बीरानी में। मतलब भगवान शंकर तो अवघड़दानी है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं पहनते दिगंबर है। इसके बाद भी तीनों लोगों को अपार दान प्रदान किया, और ये रुतवा जिसके पास कुछ नहीं है, ये योग्यता सिर्फ उसके पास हो सकती है जिससे ऐश्वर्य का जन्म होता है। भगवान शंकर ऐश्वर्य के दाता है, और भगवान शंकर के शिवलिंग का जो लोग निर्माण करते हैं शास्त्रों में प्रमाण है। जो विद्या के इच्छुक हैं ऐसे विद्यार्थी यदि एक वर्ष तक प्रतिदिन 1000 शिवलिंग का निर्माण करें तो उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ये प्रमाण है जो लोग धन के इच्छुक हैं 5 साल तक यदि वो 1000 शिवलिंग का निर्माण करें तो उन्हें धन की प्राप्ति होती है। और भगवान शिव के चारों तरफ विसंगतियां देखने मिलती है। विसंगतियां मतलब भगवान शंकर का जो वाहन है वो बैल, और जो उनकी पत्नी का वाहन है वो शेर, आपस में दोनों शत्रु। भगवान शंकर के जो बड़े बेटे हैं कार्तिक जिनका वाहन है मोर, और गणेश जी का वाहन है चूहा, दोनों एक दूसरे के शत्रु। इन विसंगतियों के बाद भी उनमें संगति देखने के लिए मिलती है क्योंकि वो भोलेनाथ है। और ऐसे शिवलिंग का निर्माण आज मुझे नहीं लग रहा था कि बंबई के लोग, क्योंकि जानते भी नहीं है शिवलिंग निर्माण कैसे किया जाता है, फिर भी इतने भाव से यदि कर रहे हैं तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। इतने भाव से इतनी श्रद्धा से शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, और शिवलिंग जिन्होंने भी बनाया अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। एक शिवलिंग बनाने से एक महामृत्युंजय मंत्र की जप की प्राप्ति होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ के अपार जन समुदाय और लोगों की श्रद्धा को देख के। कलयुग में हादसा सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे संसार में हो रहे हैं। और दूसरी बात, 2017 जा रहा है तो मैं आज लोगों से यही कहना चाहूंगी कि 2017 में जो भी हमने बुरा किया या हमारे साथ बुरा हुआ उसे भूल के उसका प्रायश्चित करके हम साल 2018 का अच्छे से स्वागत करें, और कोशिश करें कि इस साल में हमारे द्वारा कोई गलत कार्य ना हो, हम किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचाएं और सबको सुख दें और अच्छे से 2018 का स्वागत करें। एक लाइन में अभी जाना जाए कि भगवान प्राप्त करने का रास्ता क्या है और कैसे
शिव की महिमा को भी पाली जा रहा है। देखिए भगवान महादेव की महिमा तो ऐसी है कि जिसने इनको भजा ये उन्हीं के हो गए। आपने यदि पीपल के नीचे बैठ के महादेव की पूजा की तो पीपलेश्वर महादेव हो जाएंगे। आप नदी के किनारे बैठ के शंकर की पूजा करेंगे वो तो नदीश्वर महादेव हो जाएंगे। आपका नाम क्या है? आप अखिल हैं, अखिलेश। यदि आपने महादेव बनाए तो अखिलेश्वर महादेव हो जाएंगे। जिस जो बुलाता है वो उसके बन जाते हैं। वो इतने भोले हैं, इस भाव के भूखे, जिसने प्यार से बजा वो उसके बन गए। धर्म के विषय में बातें अच्छी भी होती हैं, बातें बुरी भी होती हैं, पर आज समाज को धर्म की आवश्यकता है। धर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर क्षेत्र में, चाहे धन का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं यही कहूंगी कि लोग धर्मवान बने और अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। समाज में मैंने भी देखा है कि ऐसे बहुत से कई लोग हैं। अखाड़ा परिषद ने, हमारे संतजनों ने, महात्माओं ने जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। एक मैं तो चाहती हूँ कि एक परीक्षा होनी चाहिए संत कौन है। वो जैसे आपका ये कैमरा है, यदि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपके कैमरे के साथ एक बुकलेट आती है, आप उस बुकलेट को पढ़ते हैं फिर आपको पता चलता है। वैसे ही रामचरितमानस और भागवत से पता चलता है कि संत कौन है, संत के लक्षण कौन है। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, अंधश्रद्धा पर, अंधभक्ति पर विश्वास ना करके जागरूक होकर जो प्रत्यक्ष देखे उस पर भरोसा करें। और जिनमें राम कथा और कृष्ण कथा के माध्यम से जो संत की परिभाषा बताई गई वो देखें, वो जाने, उसके बाद ही किसी पे विश्वास रखें। तो मैं अखाड़ा परिषद के निर्णय का बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। अभी जो हाल ही में देखिए गलत है। यदि कोई भी प्रवचनकार है या संत है तो वो जैसे सामने है वैसे उसको पीछे रहना चाहिए, मतलब उसके दो रूप नहीं होने चाहिए। और यदि ये हो रहा है तो भारत के संतों को एक कठोर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति पर एक कठोर आघात है। यदि ऐसा होगा तो लोगों का जो विश्वास है वो भक्ति पैसे या संतों पैसे कम हो जाएगा। यदि 1,00,000 संत है उसमें से 10 लोग भी यदि बुरे हैं तो सारा संत समाज बदनाम होता है। इसलिए मैं संतों से, महात्माओं से ये प्रार्थना करूंगी कि वे कठोर निर्णय लेके कुछ ऐसे नियम बना दें जो उनका पालन करे वही संत कहलाए। सर आप क्या कहना चाहेंगे मुंबई में? ऋषि मुनियों को देख रहा है और उन्हीं की परंपरा को परम पूज्य देवी जी आगे बढ़ा रही है कथा के माध्यम से, नौजवानों के लिए संदेश। और आज यहाँ पर इन्होंने परसों ही डिसीजन लिया कि हमें 1,25,000 से अधिक बनाने हैं, वो उत्सव परसों का लिया हुआ है। और महिलाओं से इन्होंने एक शब्द बोला और महिलाएं सुबह 7:30 बजे से यहाँ पर आकर के बना रही। स्वयं देवी जी कल कथा व्यासपीठ पे 8 बजे तक थी, उसके बाद में उन्होंने हवन में भाग लिया 12 बजे तक और बिना विश्राम के स्वयं इन्होंने मिट्टी को खुद हाथों से उसकी लोहिया बनाई और रात 2:30 बजे तक इन्होंने 5,000 के ऊपर स्वयं शिवलिंग बना करके उसका शुभारंभ कर दिया और उसका पुनः आप अभी पंडाल में देख रहे हैं। पंडाल में भागवत कथा के साथ साथ काफी कुछ अच्छे कार्य भी, गरीबों की भलाई के लिए भी कार्य किए जाते हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए कल परम पूज्य देवी जी के सानिध्य में यहाँ मेडिकल कैंप हुआ, उसमें फ्री चश्मा वितरण किया गया, ECG मशीन, जो अच्छे डॉक्टर थे सभी की सेवाएं यहाँ ली गई। गरीबों के लिए ये ट्रस्ट बना है और हॉस्पिटल भी गरीबों के लिए बनेगा, यही हमारे सुदामा देवी कन्हैयालाल चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्देश्य है। चलते चलते आखिरी सवाल, देवी जी आप जितनी सुंदर हैं उतनी ही वचन भी आपके सुंदर हैं, और जब आप प्रवचन करती हैं तो लोगों की आंखें भी सांसे भी खुल जाती हैं, कैसे कर लेते हैं? जी मैं नहीं करती, ठाकुर जी करते हैं, महादेव करते हैं, उनकी कृपा है। कोई इंसान, हम तो मतलब एक पुतला है माटी के या एक कट पुतली है, हमको चलाने वाले तो भगवान है। यदि उनने सुंदरता दी है, यदि उनने वाणी दी है तो ये हमसे नहीं है, ये उन्हीं से प्राप्त है। तो मैं उन्हीं को धन्यवाद दूंगी कि उनने अपनी सेवा के योग्य मुझे समझा। चलते चलते आखिरी सवाल, जो लोग आज निकलेंगे 31st है, लोग ड्रिंक करते हैं, ड्राइव करते हैं, उनको क्या संदेश? मैं यही कहूंगी कि हम भारतीय संस्कृति
से ओतप्रोत लोग हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, और ये जो शराब है जो भी है वो पश्चिमी सभ्यता है, तो पश्चिमी लोग क्या कह रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति जो कहती है कि दीपक जलाएं हम, भजन करें हम, एक सुंदर उपदेश दें, तो मैं वही चाहूंगी युवाओं से, युवतियों से, कि जो गलत मार्ग पर पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे उनकी नकल ना करें, वे खुद ऐसा करें, सनातन धर्म को इतना आगे बढ़ा दें कि पश्चिमी देशों के लोग हमारी नकल करें।